एक नया थ्री व्हीलर स्कूटर मार्केट में आया है जो दूसरे स्कूटरों से काफी अलग है। दरअसल इस स्कूटर को चीन की कंपनी रूडर ने तैयार किया है। इसे आप एक टिल्टिंग स्कूटर भी कह सकते हैं। टिल्टिंग का मतलब सही मायने में किसी भी तरह के सरफेस पर आसानी से दौड़ने में सक्षम होने वाला स्कूटर होता है। स्कूटर का एक पहिया किसी ऊंचे स्थान पर हो और अन्य पहिया नीचे हो, ऐसी दशा स्कूटर में लगे हुए सस्पेंशन पूरी तरह से मुड़ जाते हैं, जिससे स्कूटर बिना अपना संतुलन बिगाड़े आगे बढ़ता रहता है। दो पहिया स्कूटर के मुकाबले यह रूडर थ्री व्हील स्कूटर काफी बेहतर है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तीन पहियों की वजह से ये स्कूटर आसानी से ड्राइव की जा सकती है। ड्राइविंग के दौरान चालक को स्कूटर के गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। अपने स्लिक और आधुनिक डिजाइन के साथ यह रिवर्स ट्रैक स्कूटर जहां भी आप जाएं लोगों का ध्यान जरूर खींचेगा। चाहे आप क्लासिक ब्लैक चुने या कोई चटकीला रंग चुने, आप स्टाइल में सवारी करेंगे। इस स्कूटर में आधुनिक तकनीक से लैस हाइड्रोलिक टिल्ट सिस्टम HTS का प्रयोग किया गया है। इसे पहियों के बीच में सस्पेंशन के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे आप इस स्कूटर को एक स्पोर्ट बाइक की तरह ही आसानी से मोड़ सकते हैं। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेहद ही खास हॉर्नेट की तरह डिजाइन किया गया है। स्कूटर के फ्रंट को बेहद ही शार्प लुक प्रदान किया गया है। इसके अलावा चालक को बेहतर और आरामदेह सफर प्रदान करने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी बेहद ही खास तरीके से किया गया है। इसमें चालक का पैर पूरी तरह से फ्रंट पैनल से कवर है और चालक की सीट को थोड़ा नीचे रखा गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर का मुख्य आकर्षण आगे के दो पहिए हैं। यह राइडर को अतिरिक्त सपोर्ट और बेहतर स्थिरता प्रदान करता है। यह तीन पहियों वाला पहला झुका हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल की गई तकनीक दिलचस्प है और पीछे का सस्पेंशन सेटअप किसी भी प्रकार की सड़कों के लिए अनुकूल है। इसमें जो हैंडल दिया गया है जिसको काफी ऊंचा रखा गया है, जो अवेंजर बाइक की याद दिलाता है, इसे आप चॉपर बाइक भी कह सकते हैं। रूडर मोटरसाइकिल के फ्रंट में राउंड LED हेडलाइट्स, टर्न सिग्नल और रियर में LED टेल लाइट दी गई है। स्कूटर में पूरी तरह से डिजिटल LCD डिस्प्ले, USB पोर्ट और बटन के साथ एक सामान्य दिखने वाला हैंडल बार है। पावर और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3000 वाट की मोटर लगाई गई है। इस ट्राइसाइकिल को 65 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से चला सकते हो। इसकी मोटर को पावर देने के लिए 60 वोल्ट 20 एम्पीयर का लिथियम आयन बैटरी पैक लगाया गया है, जिसे एक बार फुल चार्ज करके 100 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप चला सकते हो। इसकी बैटरी को चार्ज होने में 3 से 5 घंटे का समय लगता है। यह ट्राइक 200 किलोग्राम का भार ले जा सकती है। रूडर ट्राई के फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया है। रूडर ट्राई की चौड़ाई क्षमता 30 डिग्री है। कीमत की बात करें तो इसकी प्राइस 83,000 रुपए रखी गई है। इसे चीन से ऑर्डर किया जा सकता है क्योंकि इसकी सेल यहाँ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी चॉपर थ्री व्हील इलेक्ट्रिक स्कूटर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।